ठीक है, क्वेश्चन इजी कैसे होगा? एक्चुअली अभी हमने क्या किया, हमने कहा आपसे कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये लाइन सेगमेंट, है ना। देखो ना, और ये है बेटा एक्स वन वाई वन, और ये है बेटे बी एक्स टू वाई टू, और ये है बच्चे हमारे पास पी पॉइंट, है ना, और ये है एक्स वाई। आपने कहा ये पार्ट एम वन है, ये पार्ट एम टू है, तो आपने कहा एक्स जो होगा बेटे वो होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। लेकिन बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेटे हमारा ये जो पॉइंट है, ये अभी हमारे पास क्वेश्चन में भी आ गया, तो अगर ये हमारा पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट, तो कोई मेरा बच्चा बताएगा कि रेशो क्या होगा? मिड पॉइंट बेटे कित रेशो क्या करेगा, हाफ कर देगा? वन यस, वेरी गुड, 1:1 है ना, इक्वल हो जाएगा ना बेटे, चाहे वो 6 हो तो 3/3, 4 हो तो 2/2, बट रेशो रेशो इज 1:1 फाइनली। तो बेटे अगर रेशो 1:1 होगा बच्चे, तो फिर आप मुझे ये बताओ, फिर आप मुझे ये बताओ कैम वन की जगह क्या रखोगे वन और एम टू की जगह क्या रखोगे और नीचे भी क्या रखोगे? तो वन प्लस वन अब जरा मुझे बताना वैल्यू क्या आ गई फिर? क्या वैल्यू आ गई एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यस और नो? यस सर, तो सेम सेम बेटे वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे? ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटे मिड पॉइंट। वेरी इजीली वी हैव नाउ मिड पॉइंट। इस पे देखो छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ है, और इस वाले को भी दोबारा से करेंगे जो भी हमने किया, कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब जो आपने सॉल्व किया है उसमें इसका क्या यूज है, ठीक है, उसमें इसका क्या यूज है जरा देखो। सब बच्चों ने यहाँ पे पी निकाला था, सब ने, आप बच्चों ने पी निकाला है ना, बताओ पी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? 2 - 5/3। यस, चलो अब हमने आपसे कहा था कि भाई हम अब क्यू निकाल सकते हैं, हम जो है भाई क्यू निकाल सकते हैं, और क्यू निकालेंगे 2:1 करके, यस और नो सब बच्चे बताओ? ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ सर, इसको हम इजी, इसको इजी कर लेते हैं। क्या इजी कर लेते हैं कि बेटे अब हमारे पास, सब बच्चे थोड़ा सा फोकस करना, हमारे पास पी है, हमारे पास क्या है, पी है, और हमारे पास बी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, हमें पहले से ही पता है कि 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये रेशियो मेरा 1:1 है, यस और नो? तो क्यू क्या होगा पी बी के लिए? Midpoint. सब बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? Yes, हम क्यों 2:1 करें, हम अब कह सकते हैं जब आपने पी निकाल लिया, आप कहेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, और बेटे अगर ये मिड पॉइंट है तो सिंपल हमारा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हमारा हो जाएगा एक्स वन, एक्स वन कितना होगा, एक्स वन कितना होगा बेटे इसमें, एक्स वन ये होगा एक्स वन, और एक्स टू कितना होगा, ये एक्स टू होगा, माइनस, यस माइनस टू, वेरी गुड, तो आपके पास हो जाएगा 2 - -2/2, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और वाई वन कितना होगा बच्चे, और -3/2। कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया सब बच्चों को, नहीं आया? यस सर, है ना बेटे, अगर मिड पॉइंट होता है तो सिंपल एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा बेटे, तो क्यू आ गया 0, और ये आप ले जाओगे 9, और 9 × 5 = 14, 14/2 = 7, तो आई थिंक आपका आंसर आया था 7/3, यस और नो? यस सर। तो देखो यस सर, समझ में आ गया सब बच्चों को? तो अगर बेटे मिड पॉइंट हो जाएगा तो ऐसे, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन और बना हुआ, एक क्या दो क्वेश्चन बने हुए, फिर माशाल्लाह आप सब बच्चे प्रैक्टिस करना, बस आज के लिए इतना। देखो इस पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एक सिंपल सीधा सच्चा सा क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बच्चों से पूछता है, इवन कंपटीशन में आया हुआ है, एमसीक्यूज में,
बहुत ही सिंपल सा, देखो सब बच्चे थोड़ा सा छोटा सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वन लाइनर कह सकते हो। ये देखो बेटे क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, हूज सेंटर इज 2-3, बी इज 1-4। मैं हमेशा आपसे ये कह रहा हूँ, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, फिगर ड्रॉ कर लो, छोटी सी फिगर ड्रॉ करते ही आधी चीज क्लियर हो जाएगी। आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ओके, ये मेरा सर्कल हो गया बेटे, और यहाँ इस सर्कल में आपने बच्चे ये डायमीटर मेंशन कर दिया, ठीक है, ये आपने डायमीटर मेंशन कर दिया ए और ये बी हो गया, और आपसे कह रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ना हमें एक्स पता ना हमें वाई पता, क्या हमें बी मालूम है बेटे? यस सर। कितना बच्चे? 1.4। अब सब बच्चे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक है कि हु सेंटर इज 2-3, सेंटर कहाँ होगा? सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, डायमीटर पे होगा, है ना बच्चे, तो यहाँ होगा। यस यस, क्यों आ रही हो, लेके आ रहे, टेंशन ना, आपके साथ देंगे ना, तो सेंटर होगा मिड पॉइंट जो अभी आपने कहा बेटे, बस वही छोटा सा लॉजिक था कि 2-3। अब हमारे पास क्या हो गया, आप कहोगे बेटे कि सी इज द सेंटर ऑफ ए बी, तो अगर सी सेंटर है बेटे, सी अगर सेंटर है तो ये वाला मेरा एक्स है, ध्यान रखना ये एक्स है, और ये वो तो हो गया बेटे, अब तो सीधा मिड पॉइंट लेंगे, ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो सब बच्चे बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 = x + 1/2, यस और नो? यस सर। यस सर। सेंटर सेंटर सी है हमारा, तो 2 हमने उसका लिया है, जो हम लेते हैं ना x = x1 + x2/2, और नहीं तो आप इसको x1 लिख लो, तो ये मेरा x1 हो जाएगा, x1 + 1/2, तो 2 जा 4 - 1 = 3, बात समझ में आ गई बेटे सब बच्चों को? यस सर। तो x1 = 3, अगर मैंने इसको x1 y1 कर दिया, तो अब बताओ y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y की वैल्यू -3, ये है हमारा y, सेंटर वाला y, तो ये हमारा -3 हो गया, अगर ये -3 है तो y1 कितना है, y1 ही है, और y2 कितना है बच्चे, 4 / 2, तो 3 जा -6, 4 को भी इधर लेके जाओ, -10 है y की वैल्यू। सब बच्चे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा आया? गुड, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, बाकी बस फिर आप करना माशाल्लाह से। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको हम चाहते थे रेशियो से भी कर सकते थे, अब हम इसको ऐसे भी करेंगे। हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एंड ए बी इंटू 4 equal parts। पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटे, सेकेंड वाला, दैट वॉज 3 equal parts, ट्राई सेक्शन, नाउ इट इज 4 equal parts बच्चे, तो आपको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, माशाल्लाह आप खुद करेंगे। आप देखिए प्लीज, ये बेटे मेरा ए है और बच्चे ये मेरा बी है, इट इज ए इज बी, ए दिया बेटे -2 2, एंड बी इज गिवन बेटे 2 8, आपसे कह रहा है 4 equal parts, तो 4 equal parts के लिए कितने पॉइंट चाहिएंगे बेटे, 3, है ना, तो आप क्या मेंशन करोगे, लेट पी क्यू आर डिवाइड्स ए बी इनटू 4 equal parts, ठीक है, पहली बात आपने लिख दी। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:3, यस, तो अगर आप 1:3 करेंगे तो रेशो निकाल देंगे ना, यस सर, है ना, तो आप रेशो निकाल देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मैं आपसे कह रहा हूँ क्यों करें हम इसको इस तरह से, हम तो आपसे कह रहे हैं, सब बच्चे सोचो जरा इधर ध्यान से, क्या कोई मुझे बच्चा बताएगा मेरा क्यू क्या है, क्यू मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, एबी का, वंडरफुल, तो क्या हम क्यू निकाल सकते हैं, निकाल ही देते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, इतना ही टाइम लगना जैसे मैं लिख रहा हूँ, और आगे ऐसे ही लिखेंगे, -2 + 2 = 0,
टू प्लस एट टेन बाई टू फाइव. सब बच्चे बताओ क्यू आ गया या नहीं आ गया. अच्छा अब सोच के बताना ए और क्यू के लिए. फॉर ए क्यू व्हाट इज पी. मिड पॉइंट. वंडरफुल. तो क्या आप ए क्यू का मिड पॉइंट निकाल सकते हो. यस सर. एंड सेम फॉर क्यू बी व्हाट इज आर. मिड पॉइंट. कर सकते हो. यस सर. ऑल द बेस्ट. खुदा हाफिज. नमाज पढ़िए माशाल्लाह से. रेस्ट करिए और इसको पूरा करिए. ठीक है बेटे. यस सर. चलो खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम बच्चे.